विधानसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश की जनता ने 2019 के लिए भी संदेश दिया है। ये कहना है कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का, जो थोड़ी देर पहले ही जयपुर पहुंचे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल समेत कई मुद्दों पर अविनाश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली लादला ने। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और उनसे बातचीत हम करते हैं। पांडे साहब, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शपथ अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे, क्योंकि लंबे समय से आप इस पूरी रणनीति में जुटे हुए थे, शिल्पकार आपको भी माना जा सकता है। देखिए, ये बहुत खुशी का मौका है और 5 साल से जिन कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संघर्ष किया, आज राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके फलस्वरूप परसों शपथ विधि होने जा रही है। कांग्रेस को हाथों में बागडोर सौंपी जा रही है। माननीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी परसों शपथ लेंगे और इस खुशी के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता और अन्य पक्षों के भी जो शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी इसमें सहभागी होंगे। एक बहुत खुशी का अवसर है और मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेदारी के साथ राजस्थान की जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं और आगे की गतिविधियां जल्द शुरू। सर, महागठबंधन के सहयोगी जो बड़े नेता हैं आपके दूसरे दलों के, वो भी इसमें शामिल हुए, तो 2019 का एक तरीके से ट्रेलर दिखाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से जयपुर के अल्बर्ट हॉल से की जाएगी? देखिए, राजस्थान ने पूरे देश को एक संदेश दिया है, जो मैंडेट मिला हुआ है 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को लोगों ने नकारा है और ये संदेश पूरे देश में गया हुआ है, तो देश की राजनीति पे इसका एक बहुत गहरा प्रभाव होने हुआ है और 2019 निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में इन नतीजों का एक भारी प्रभाव पड़ेगा। जब कांग्रेस के जो तमाम नेता आ रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे दलों के जो आपके सहयोगी दलों के नेता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसकी लेकर भी आप रणनीति तैयार करने के लिए आप जयपुर पहुँच चुके हैं, आज विधायकों से भी आपका चर्चा का कार्यक्रम कल भी आप करेंगे? जी, निश्चित रूप से सभी जो चुनकर विधायक आए हुए हैं उनसे मुलाकात होगी। परसों की जो यहाँ पर कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को कैसे हम प्रभावी तरीके से कर सकें, सभी नेतागण आएंगे, उनके स्वागत की तैयारियाँ हैं। परसों के कार्यक्रम में जो संदेश पूरे देश को देना है उसके संबंध में सभी यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश कांग्रेस कमेटी सबके साथ बैठकर और उसका नियोजन किया है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा और उसमें जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस है उसका भी, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने शपथ ग्रहण को लेकर भी यहाँ पर बात की। इनका कहना है कि उसमें राहुल गांधी जैसे कई नेता शामिल होंगे, दूसरे दलों के इनके जो सहयोगी वो भी इसमें आएंगे और कुल मिलाकर 2019 में कांग्रेस लोकसभा में भी चुनाव जीतेगी, क्योंकि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव जयपुर में हुए हैं, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसने एक नई छाप कांग्रेस के लिए छोड़ी है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर।